नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर है प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां पर हॉस्टल बंद। लगातार बढ़ते संक्रमण व बाढ़ से घिरे छात्र कैसे देंगे परीक्षा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन छात्र नेताओं का आज दूसरे दिन भी मालवीय प्रतिमा कुलपति कार्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर भूख हड़ताल जारी रहा। छात्रों की मांग है कि पिछले वर्ष की फीस जमा करने के बाद भी लॉकडाउन के कारण छात्रों को हॉस्टल में नहीं रहने दिया गया, लिहाजा उनकी पिछले वर्ष की फीस इस नए वर्ष में समायोजित की जाए व हॉस्टल की फीस माफ की जाए। आज भी प्रॉक्टर व DSW को ज्ञापन भेज भूख हड़ताल व मांगों को अवगत कराया गया। दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनू यादव का तबियत खराब हो चुका है। सोनू यादव की तबियत खराब होने की सूचना पर 108 एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ा। इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के संवेदनाएं मर चुकी हैं। दो दिन से लगातार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति कार्यालय पे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी इस बात की सुध लेने नहीं आए हैं। और लगातार हमारे साथी सोनू यादव, जो ऐसा के कई सचिव भी हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी तबीयत खराब होती जा रही है। कई बार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश किया गया, लेकिन उनका कहीं से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आज भी प्रॉक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे करके इस भूख हड़ताल और भूख हड़ताल के मांगों से उनको अवगत करा दिए हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल ही भूख हड़ताल शुरू करने से पहले भी वाइस चांसलर को ज्ञापन के माध्यम से भूख हड़ताल शुरू करने और इसके मांगों से अवगत कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है और छात्रों को मौत के मुँह में धकेल करके परीक्षा कराने पर आमादा है। लगातार हॉस्टल नहीं खोल रहा है, हॉस्टल की फीसें कम नहीं कर रहा है और प्रवेश परीक्षा स्थगित नहीं कर रहा है। इन्हीं मांगों के साथ हम भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही सोनू यादव की तबीयत इस कदर ख़राब हो रही है, तेज़ी से बिगड़ रही है और मजबूरन होकर के हम लोगों को 108 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाना पड़ रहा है। शैलेश पासवान, प्रदेश अध्यक्ष आयशा, उत्तर प्रदेश। ये खास रिपोर्ट थी प्रयागराज से पुनीत सेन की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।